रावण के अहंकार को पराजय करने के लिए अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सबके साथ मिलकर वनों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, गांवों में रहने वाले, वनवासी, आदिवासी, कंदरावासी, ऋषि मुनि, संत महात्मा और यहां तक के जीव जंतुओं का भी सहयोग लेकर धर्म की लड़ाई लड़ी और हमें भी अपना उद्बोधन दें। इस देश की माटी को कभी झुकने नहीं दूंगा, इस देश की माटी का कभी सर झुकने नहीं दूंगा और न किसी को खाने दूंगा, न किसी को खाने दूंगा, न खाऊंगा, ऐसा उद्घोष और उनके प्रेरणा से उनकी ही एक शाखा इस बाड़मेर की इस पश्चिमी सीमा पर, जिस सीमा से जिस पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा होती, वो दल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, एक संकुचित समाज के या जाति विशेष के लिए नहीं, ये दल सारे देश के लिए है और भारत का प्रकाश सारे संसार का अंधकार दूर करे उसके लिए हम जैसे तीन तीन पीढ़ी के लोगों ने अपना जीवन उत्सर्ग किया। मित्रों, लोग कहते हैं कि मनुष्य बनकर जन्म लेना बड़ी बात है, बिना पूछ के दो पैर पर खड़े होकर दुनिया में आना बड़ी बात है। और हमें लगता है कि मनुष्य बनने से ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा पुण्य की बात है भारत में जन्म लेना, भारत की भूमि में जन्म लेना, ऋषियों की मुनियों की भूमि में जन्म लेना, प्रकृति के साथ जुड़कर जीने का जिसे संस्कार दिया, ऐसे स्थान पर जन्म लेना। और आगे कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जन्म लेना, ये भारत में जन्म लेने से भी बड़ी बात। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि अगर ईश्वर की ऐसी कृपा ना होती, हम सब कहीं ना कहीं अपने विचार परिवार के संपर्क में ना आते, हम अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से भिन्न भिन्न वर्गों में, शिविरों में, बौद्धिकों में ना गए होते, हमारे घर पर वो सारा साहित्य ना होता जो हमें इस देश की मिट्टी से जोड़ता है, तो हम में, आप में और कांग्रेस के लोगों में क्या फर्क होता। आज हमारे जीवन में अगर जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो विशालता है और जीवन के आगे एक बड़ा लक्ष्य है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही वो लक्ष्य। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं ना, वो काम पार्टी की दृष्टि से कितना बड़ा है। हम कहते हैं कि बाकी पार्टी किसी ना किसी नेता की, कोई नीतीश कुमार की, कोई मायावती की, कोई ममता दीदी की, कोई सोनिया मैडम की, हर पार्टी किसी ना किसी नेता की, पर ये पार्टी कार्यकर्ताओं। अरे तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदरणीय अमित शाह जी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने हमें बात की शुरुआत करी कि देश के हर जिले में पार्टी का कार्यालय शुरू होना चाहिए, बनना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण। आपने ठीक कहा कि जब तक कार्यालय नहीं होता, हम अपने कार्यालय को, अपनी पार्टी को किसी न किसी व्यक्ति के घर से चलाते हैं। और जब कार्यालय बन जाता है, तब पार्टी व्यक्तियों के घर से निकलकर कार्यकर्ताओं के कार्यालय में आ जाती है। व्यक्ति केंद्रित हमारा सोच नहीं है, व्यक्ति केंद्रित हमारा आचार विचार नहीं है, व्यक्ति केंद्रित हमारा व्यवहार नहीं है। और जिले में उसको मजबूत करने के लिए कार्यालय की पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण। और ये भी सही है कि हम में से कोई एक इस बात को लेकर इतरा नहीं सकता कि मैं हूं तो कार्यालय बन गए, मैंने पैसा दिया तो कार्यालय बन गया, मेरा सहयोग ना होता तो आज यहां तक कैसे बैठे होते।
हम सबके सामने आदर्श श्री राम जी का है। राम जी ने अधर्म से लड़ने के लिए, रावण के अहंकार को पराजय करने के लिए अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सबके साथ मिलकर वनों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, गांवों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, कंदरावासी, ऋषि मुनि, संत महात्मा और यहां तक के जीव जंतुओं का भी सहयोग लेकर धर्म की लड़ाई लड़ी। और हमें भी यही हमारी पार्टी सिखाती है कि मैं नहीं हम, और मैं नहीं हम की ओर ले जाने की एक बहुत बड़ी जो हमारे पास भूमिका बनती है वो कार्यालय से बनती है। मैं पूछ रही थी क्या कार्यालय बना रहे हैं तो कार्यालय की योजना क्या है, और मुझे सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई। क्या सरकार में नहीं है भाई साहब आपकी यहाँ पर, कोई सरकार के भरोसे कार्यालय बन रहा है ऐसा नहीं, कोई ठेकेदारों पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर के भरोसे कार्यालय बन रहा है ऐसा नहीं, फिर भी कार्यालय पे 250 लोगों के लायक आप हॉल बना रहे हैं, फिर भी आप कार्यालय में एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं 35-40 लोग बैठकर उसमें पार्टी के कामकाज गतिविधियों की कार्य योजना कर सकेंगे, आप उसमें कोई प्रवासी कार्यकर्ता आ रहे हैं आएंगे उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। पर मित्रों ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाईफाई और कंप्यूटर ये तो जोड़ेगा, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो जोड़ेगा, जो कार्यालय में कार्यकर्ता आए या जन सामान्य आए उसकी सेवा हो, उसको हम पहचानने से इनकार न करें, वो जब यहां आए तो उसको ये लगे कि यही वो जगह है जहां से मेरी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। हम जब आए कई बार हमें लगता है कि चल ठीक है जैसा कार्यालय मेरा वैसा तेरा, लेकिन जो यहां जवाबदारी को संभाले कुछ नहीं तो आने वाले को गांव गांव से आने वाले कार्यकर्ताओं की भूख भी मिटेगी, प्यार भी मिटेगी, एक भरोसा बनेगा कार्यालय के प्रति, पार्टी के प्रति।